हेलो एवरीवन, सो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम फिर से रेडी हो गए हैं और आज हम जाने वाले हैं, मैं अपने मायके कार्तिक को पहली बार लेके, और मुझे छोड़ने आ रहे हैं मम्मी और सौम्या। तो हम तीनों जा रहे हैं और ये हैं सौम्या, रेडी हो गए हैं, और ये दीदी बैठी है कार्तिक को पकड़ के, और दीदी बहुत दुखी हो रही है क्योंकि हम जा रहे हैं आज, है ना? हाँ, अब ये अकेले अकेले काम करेंगे। हाँ, ये परसों गए थे अपने दीदी के घर, तब मेरे को यहाँ बोरिंग सा हो रहा था, अब इनको होगा बोरिंग सा। ये है सौम्या। हाँ, ये कार्तिक को यहीं रखते हैं हम और किट्टू को। हाँ, आप जाओ अब। हाँ ठीक है। हाँ, और मुझे लेने आ रहे हैं पापा, जीजा जी की गाड़ी आने वाली है तो थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, फिर दिखाते हैं आपको। मम्मी मम्मी एकदम समझौर जाने के लिए रेडी हैं, ये देखो एक्साइटेड हो समझौर जाने के लिए। ऐसे खुशी की बात भी है, मेरे चाची के 1 लाख व्यूज़ हो गए हैं और इसी खुशी में आज हम बहुत खुश हैं। तो 1 लाख व्यूज़ हो गए हैं, आप भी अगर नए हो तो लाइक करना, उसमें सब्सक्राइब करना और व्यूज़ देखना। तो तब तक के लिए बाय बाय, अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हाँ, सब रख दिया, ये उसमें रखना, मैं ले जा रही हूँ सबको। तो फ्रेंड्स, ये अब बैग ले जा रही है बाहर को, और हमारे बस दो ही बैग हैं, झोला जैसा एक बैग। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं और इससे आगे का वीडियो दिव्या ने रिकॉर्ड किया हुआ है। कर रहे थे डेकोरेशन इसलिए कर रहे थे क्योंकि कल को, मतलब कि 28 तारीख को दीदी आ रही है अपने बेटे कार्तिक को लेके, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन कर रहे थे। और डेकोरेशन अभी जस्ट फिनिश हुआ है, तो अभी हम दिखाते हैं आपको डेकोरेशन कैसा किया है, क्या क्या है। ठीक है, ये है ममता और मैं, और बाकी मम्मी पापा सो गए हैं, बाकी उनको कल दिखाएंगे, अभी तो हम ही दोनों थे तो हम दोनों ने किया, उन्होंने खाना खा के वो सो गए हैं। और दीदी को और दीदी को अभी हमने बताया नहीं कि हमने उसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है, तो वो कल आएगी, उसके बाद उसको दिखाएंगे क्या क्या किया है हमने। तो कल आप भी आगे ब्लॉग में बने रहिए, ये ब्लॉग के फर्स्ट में हम डालेंगे, तो आप देखिए कैसे क्या किया। हेलो गाइस, आज है 28 तारीख और अभी बज रहे हैं 3, तो अभी आने वाली दीदी, पापा दीदी को लेने गए हैं तो जीजा जी की कार से, तो अभी वो थोड़ी देर में पहुंचते होंगे, तो फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ तैयारी की है, तो अभी दिखाती हूँ आपको। अभी खिचड़ी वगैरह जो भी है बच्चे के ऊपर घुमाएंगे, और इसके बारे में मम्मी भी बताएगी क्यों घुमाया जाता है। इसके बारे में, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को छल हल नहीं लगता है, जो छल उनके साथ आएगा ये खिचड़ी विचड़ी घुमाएंगे उनके सिर पर, फेंक देंगे चौबाट में, इससे छल हल कम होता है। चौबाट मतलब 4 बार जाओ। और ये अभी उसके लिए तैयारी की है, तो जैसे ही वो आएगा घंटी और शंख के साथ उसका स्वागत किया जाएगा। और ये थोड़ा सा पानी और ये टीका और ये फ्लावर दीदी के लिए है। अभी दिखाएंगे आपको ये कैसे किस तरीके से होता है, और आपके साथ भी शेयर करेंगे, और बने रहिए आगे ब्लॉग में। बाकी यहाँ थोड़ी बहुत डेकोरेशन की है, यहाँ पे बेबी के लिए है, और यहाँ पे उसका नाम लिखा है कार्तिक का, और हम एक केक लाए छोटा सा जो कि बहुत क्यूट सा है, और इसका नाम हमने यहाँ पे लिखा है इसे कार्तिक, और उसके लिए एक रोज़ भी रखा है यहाँ पे। और ये डेकोरेशन जो कि आपको रात में दिखा ही दिया था, रुको अभी कुछ लाइट खोल के दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कुछ इस तरह से है, ये है ऑल ओवरव्यू।
देखिए गाइज, मामी सुपरविजन कर रही है, तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके कुछ बना रखा है। और यहाँ से अंदर का व्यू ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से अंदर आ रहा हूँ। और मम्मी कैसा लग रहा है फिर आपको आज आपके नाती? अच्छा लग रहा है, मेरी नातनी आ रही, नाती आ रहा, मेरी लड़की आ रही, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी। तुम्हें नाती पोतों के आने की ज्यादा खुशी हो रही है या तो बेटी की ज्यादा? पोती आने की, बेटी की कोई खुशी नहीं है मतलब? उतना खुशी नहीं। अच्छा, नाती पोते। अच्छा, देखिए गाइस, सभी महिलाएं देख सकती हैं कि जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनके खुद के बच्चों को नहीं पूछा जाता, जो उनके बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा पूछा जाता है। तो वही मम्मी का भी हाल है, बेसब्री से इंतज़ार है। अभी जैसे ही मम्मी, जैसे ही दीदी लोग आ जाएंगे तो फिर मम्मी उनको टीका तंदन करके अंदर प्रवेश कराएगी। कैमरामैन आज का, जो कि देखते हैं कैसी फोटो खींचते हैं, अगर अच्छी खींचेंगे तो आपके साथ शेयर किया जाएगा, अगर बुरी होगी तो वो भी आप कमेंट कीजिए। अच्छा ही हुआ, आजकल चलता है ये। फाइनली ये लोग प्रणाम जी, जितरो, जितरो। हेलो किड्डू, हेलो प्रणाम, प्रणाम प्रणाम। जीते रहो, इतना बड़ा किट्टू प्रणाम, प्रणाम जीते रहो, प्रणाम जीते रहो, जीते रहो। ये बबली दीदी भी आ गई। ठीक है, दूर से देख रही यार किट्टू, ये देख बड़ा खतरा है ना। आओ फिर बबली दी, आओ। अरे धरती से लेके अंबर, नदिया हो या समंदर, धरती से लेके अंबर, नदिया हो या समंदर, बादल भी सुर में कितना गा रहे हैं। खुशियां ही खुशियां देखो चारों ओर फैली, क्योंकि मेरे घर नए मेहमान आ रहे हैं। खुशियां ही खुशियां देखो चारों ओर फैली, क्योंकि मेरे घर नए मेहमान। इंतजार था, यहाँ पे बैठ गए हैं, तो इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे केक कट करेंगे। और जो कि हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था दिव्या का सरप्राइज़, और इसने डेकोरेशन भी बहुत ज़्यादा सुंदर किया हुआ था, और मुझे इतनी तो उम्मीद नहीं थी कि जितना इसने किया हुआ था। मैंने सोचा बस ऐसे ही थोड़ा सा वेलकम करेंगे, टीका वीका करेंगे बस, और इसने तो इतना पूरा सा बैलून और वेलकम लिख के इतना अच्छा सा डेकोरेशन किया हुआ था, जिसके लिए दिव्या को बहुत बहुत थैंक यू। गा रहे हैं खुशियां ही खुशियां देखो चारों ओर फैली, क्योंकि मेरे घर नए मेहमान आ रहे हैं। खुशियां ही खुशियां देखो चारों फैली, क्योंकि मेरे घर में मेहमान आ रहे हैं।
का आई वो घड़ी है, खुशियों से भी देखो मेरी गोद हाँ भरी है, टहनी पे फूल भी हाँ सारे हंस रहे हैं, आंगन में मेरी देखो रंग बिखरे हैं, चांद वांद छोड़ के आज दौड़ के माथे को मेरी तारे खुद सजा रहे हैं, खुशियां ही खुशियां देखो चारों ओर फैली दूं के मेरे घर नए मेहमान आ रहे हैं, खुशियां ही खुशियां देखो चारों में समाई हो, आओ मेरे पास सब मुझको बधाई दो, क्या ही वो पल होगा जब हम साथ होंगे, हाथों में मेरे जब वो छोटे छोटे हाथ होंगे, सच्ची बेहिसाब से वीन राज ख्वाब में अपनी हंसी से मुझको हंसा रहे हैं, खुशियां ही खुशियां देखो चारों फैले क्योंकि मेरे घर नए मेहमान आ रहे हैं, खुशियां ही खुशियां देखो चारों फैले क्योंकि मेरे घर नए मेहमान आ रहे हैं, खुशियां ही खुशियां देखो देखिए हम अब केक एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ देखो ऐसा कूड़ा फैला हुआ, ये देखो किट्टू के मजे आ रहे हैं, बाकी दिखाते हैं तो जाते हैं तो ढूंढने के लिए बच्चों को कब तक चल तो मैं केक के सारा खा दिया आप तो टेस्टी है ममता कैसा हो रहा तो मत खा खा खुके देखो ये क्रीम रखा है, अभी क्रीम भी ऐसी चाटेगी भी खंग करेगी दीदी, बहुत बढ़िया टेस्टी था और जो डेकोरेशन था वो भी बहुत बढ़िया था। हाँ। मुझे इतनी उम्मीद ही नहीं थी तू ऐसा बनाएगी क्योंकि तेरा ड्यूटी था आज और तुम लोगों ने पूरी रात जग के सब काम किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ममता ने भी किया उसके लिए, ममता को भी थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स अभी हो गया शाम और कार्तिक की भी मालिश हो गई और अभी हम लोग बैठे हुए हैं और अभी हम देख रहे हैं हमारी शादी की वीडियो, यहाँ पे अभी लगा रखी है शादी की वीडियो और मम्मी यहाँ पे बैठी है और शीशे में भी दिख रही है और सौम्या बैठी है और पापा और किट्टू वहाँ पे डांस कर रही है। तुम क्यों रो रहे हो कार्तिक? हैं?